अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिना सिद्दीकी है और मैं मैनचेस्टर में जीपी हूँ। आज मैं आपके लिए टेस्ट एंड ट्रेस के हवाले से कुछ ज़रूरी पैगाम लेके आई हूँ। आपको क्या करना चाहिए अगर आपको पता चलता है कि आपके घर या काम पे किसी का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, या फिर आप किसी के रबते में रहे हों जिसका बाद में कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको अपने घर पर रहना चाहिए और अगले 10 दिन तक अपने आप को तन्हा कर लेना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 नाम की बीमारी है जो बहुत तेज़ी से फैलती है। ये जरासीम आपकी नाक और गले के पिछले हिस्से में पाए जाते हैं, इसलिए हम नाक और गले का स्वाब टेस्ट करते हैं। मुख्तलिफ लोगों में ये जरासीम मुख्तलिफ रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी के रबते में रहे हों जिसका टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो आपके नाक और गले में कभी कभी सिर्फ इतना ही वायरस हो सकता है जिसको आप आगे पास ऑन कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कि अगर हम आपका टेस्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है। इस वजह से हम अगर आप किसी के रबते में रहे हैं, यानी कि आप किसी के कांटेक्ट हैं, तो हम टेस्ट की राय नहीं देते हैं। एक वजह और ये भी है कि अगर आप टेस्ट करा भी लेते हैं और वो टेस्ट नेगेटिव आता है, हम उस सूरत में भी आपको यही राय देंगे कि आप अगले 10 दिन तक अपने आप को तन्हा रखें और घर पे रहें। अगर आप किसी के कांटेक्ट में हैं जिसका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है और आपको अगले 10 दिन में कोविड-19 के अलामात शुरू हो जाते हैं, तो उस सूरत हाल में ज़रूर अपना टेस्ट करवाएं। मैनचेस्टर के लोगों को सेहतमंद और महफूज रखने के लिए आपके तआवुन का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।